गाइस, घर जाने से पहले ही ये हमारा लास्ट ट्रिप है, क्योंकि घूमते घूमते अभी हम लोग भी थक गए हैं। और तारापीठ के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, हम लोग हमारे नानी घर गए थे, जहाँ का स्लिप मेरे पास एक भी नहीं है, बट तारापीठ वाला स्लिप मैंने निकाला है, क्योंकि नानी घर में हम लोग बहुत साल बाद गए, तो वहीं पे मतलब ये वो करते करते और वीडियो बातें करते करते वीडियो में मुझसे नहीं बन पाया। लेकिन जाने के टाइम तारापीठ हम लोग आए हैं, घर नानी घर से नज़दीक पड़ता है, मेरा नानी घर है बहरमपुर मुर्शिदाबाद, तो वहाँ से घूम के हम लोग आ गए हैं। और ये तारापीठ है, तारापीठ के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, माँ तारा काली माँ जी का मंदिर है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे आएंगे पूजा करने के लिए, फाइनली आ गए हैं, तो वहीं पे है, आके कुछ देर पहले ही पहुँचे हैं। होटल में सारा चीज़ रख करके हम लोग शाम के टाइम थोड़ा सा घूमने आए हैं, अभी तो माता का दर्शन नहीं हो पाएगा, कल सवेरे ही करना पड़ेगा पूजा वगैरह जो, लेकिन अभी आसपास जो दुकान वगैरह लगा हुआ रहता है, कुछ अगर आपको खरीदना है तो वही सब हम लोग देखने आए हैं। और हमारे साथ मम्मी पापा भी हैं, हम हैं, मेरे हस्बैंड है, बेटी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ तारा जी का मंदिर है, तो यहाँ पे आप लोग दर्शन कर लीजिए एक बार, और कल भी आप लोगों को मैं दर्शन करवाऊंगी हो सके तो। और ये वाला मंदिर में मोबाइल अलाउ है, और बहुत सारी जगह पर मोबाइल अलाउ नहीं रहता, लेकिन इसमें अलाउ है। और ये एक दुकान में एक तोता हम लोगों को दिख गया था, तोता नहीं, इसे मैना बोलते हैं शायद, हाँ मैना ही है, तो सोना देख के रुक गई थी, इसी को देख रही थी, तो मैंने इस टाइम भी कुछ क्लिप निकाला है। सो गाइज, आज नेक्स्ट डे है और हम लोग मंदिर में आ गए हैं, सुबह के 4 बज रहा है, सुबह सुबह उठ के नहा करके आए हैं, और आज ठंडा, मतलब ये क्लिप ना बहुत दिन पुराना है, तो इस दिन इतना ठंडा था, बाप रे बाप, मैं आपको क्या बताऊँ। और एक पॉन्ड के ऑपोजिट ही हम लोग खड़े थे लाइन में, यहाँ पे दो तरीके से पूजा दे सकते हैं, एक लाइन में खड़े होके और एक जो पांडा पकड़ के पैसा दे के पूजा कर सकते हैं, तो हम, मैं और मेरे हस्बैंड लाइन पे खड़े होकर पूजा देने वाले थे, और पापा का पैर में प्रॉब्लम था, तो उन्हें हम लोग पांडा पकड़ के ही पूजा करवाने वाले थे। लेकिन शनिवार, और क्योंकि सैटरडे था तो बहुत लंबा चौड़ा लाइन था, और सैटरडे और ट्यूसडे को एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, आप देख सकते हो उधर से पूरा एकदम लाइन घूम के आ रहा है। लेकिन बहुत देर खड़े रहने के बाद हम लोग फिर पांडा लेकर के पूजा किए हैं, और ये हम लोग मंदिर में एंट्री कर चुके हैं, मतलब एंट्री मीन्स अभी तक पूजा के वहाँ नहीं पहुँचे, पैसा देके भी पूजा, मतलब पांडा लेकर के भी पूजा कराने में भी लाइन देना पड़ता है, वो भी इतना बड़ा लाइन है, तो हम लोग वहीं पे खड़े हैं। और मम्मी पापा का पूजा हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिसाइड नहीं किया था पांडा पकड़ के हमें पूजा करवाना है, लेकिन मम्मी पापा को हम लोगों ने करवा दिया, क्योंकि उतना देर वो लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, और हमें इसी दिन रिटर्न भी होना था, घर मतलब घर आना था, इसीलिए हमने बाद में सोचा कि इतना लाइन दे के हम लोग पूजा नहीं कर सकते, हमें जल्दी निकालना है, तो इसीलिए हम लोगों ने पांडा पकड़ के पूजा कर लिया है। और ये माता जी का मंदिर है, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। पर देखिए कितना बड़ा बड़ा लहंगा, उससे छोटा साइज ये सबसे बड़ा है, उसके बाद मीडियम, उसके बाद छोटा, उसके बाद ब्लैक, यानी कि इसको छाना बड़ा भी बोलते हैं, ब्लैक, काला जामुन, गोल गोल, बस ये है बड़ा वाला। और यहाँ पे और भी कुछ मिल रहा है, खाजा वगैरह। और गाइस, अभी हम लोग का पूजा हो गया है और हम लोग आए हैं चाय पीने के लिए एक होटल में, जहाँ मिठाई भी मिलता है, और चाय के साथ हम लोग ये वाला बिस्किट भी खाएंगे। और यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, ये मेरे पापा बैठे हुए हैं, वहाँ पर मम्मी बैठी हुई है, यहाँ पर सोना है, वहाँ पर ओबीजी है, और ये रुद्राक्ष का फॉल होता है, मतलब फल है, इसे काटने के बाद इसके अंदर से रुद्राक्ष निकलता है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मुझे लगा कि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया है। इसे ऐसे भिगो के रखना पड़ता है पानी में, उसके बाद इसका जो छिलका है वो हटाने के बाद रुद्राक्ष निकल आएगा, ये निकालेंगे, आप लोग देखिए गौर से, ऐसे करके घिसने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा छिलका साइड में लगा हुआ रहता है वो निकल जाएगा, और उसके बाद इसमें एक छेदा कर देगा, ताकि आप गले में पहन सको धागा या फिर चेन के साथ।
और अभी हम लोग कुछ खरीदेंगे छोटा मोटा, बच्चे लोग हैं घर पे बहुत सारा, मेरे ससुराल में भी है और मेरे मायके में भी है, तो हम लोग अगर जा पाए उधर तो दे के आएंगे मेरे हस्बैंड, अगर नहीं गए ससुराल में और तो बाद में कोई पहुंचा देगा, तो सबके लिए छोटा मोटा कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, वही अभी हम लोग शॉपिंग करेंगे। उससे पहले हमें ब्रेकफास्ट भी करना है, तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, पराठा और सब्जी था आलू मटर का। सुबह सुबह उठ के मुझे लगा कि पूरी और सब्जी मिल रहा था सब जगह, अच्छा मतलब मुझे खाने में एकदम कैसा लगता है एक होता है ना उल्टी उल्टी टाइप का लगता है, तो मैंने ही बोला कि मुझे वो नहीं खाना है, पूरी पराठा खाना है, तो उन लोगों ने वही पूरी वाला जो आटा होता था उसी से पराठा बना के दिया था, 2 पीस 10 रुपया और पूरी 4 पीस 20 रुपया और ये 1 पीस 10 रुपया लिया था पराठा। और मेरी मम्मी गोपाल, मेरे मम्मी के पास गोपाल जी है, मतलब कृष्ण भगवान छोटा वाला है, तो उनके लिए एक सिंहासन ले रही है, मम्मी ने ले भी ली, लेकिन इसका ना बहुत सारा हम लोगों ने शॉपिंग किया था, इसका वीडियो मैं मुझे याद ही नहीं था बनाना है तो मैं बना नहीं पाई, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हम लोग खरीदे थे। हम लोग आए हैं कुछ खरीदने छोटा मोटा चीज बच्चे वगैरह बच्चे लोगों के लिए, तो यहाँ पर देखिए पूरा भाई हमको देखे चले जाते वीडियो आना और यहाँ पे मेरे पापा बाला खरीदने चारों तरफ दुकान यहाँ पर भी कुछ दुकान है कढ़ाइयाँ जो बाजू में ये था हमारा होटल গরুর বাড়ি বল কর तो हम लोग तारापीठ से जाने के टाइम ही पड़ता है बोलपुर शांति निकेतन, वहाँ पे रुके हैं, मतलब रुके हैं मतलब वहाँ पे आए हैं, जाने की तरफ भी 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के बाद ही शांति निकेतन बोलपुर आ जाता है, तो सोचे कि यहीं पे रुक के लंच भी करेंगे और यहाँ पे घूम भी लेंगे, लेकिन जो मेन यूनिवर्सिटी है वो कोविड के चलते बंद है, लेकिन म्यूजियम है वो खुला हुआ है और बाकी सारा चीज खुला हुआ है, तो वहीं पे हम लोग घूमेंगे, वहीं जा रहे हैं। सोना इतना देर सो रही थी, अभी उठ गई है, और तारापीठ से पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ी देर बाद ही हम लोग निकल पड़ते हैं, इसीलिए सिंदूर वगैरह सारा जो है लगा हुआ है, कपड़ा भी वही पहने हुए हैं क्योंकि पूजा करने के टाइम धुला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, तो हम लोग सभी जो है धुला हुआ कपड़ा अलग से एक बैग में लेके आए थे, जो कार में ही था नहीं निकाले थे, आज निकाल कर वो पहन के पूजा किए तो वही पहन के आ गए हैं। यहाँ से लंच करने के बाद निकल जाएंगे और घर जाएंगे, घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगा,
और ये आप लोगों ने सुना ही होगा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो उन्हीं का वो यहाँ पे आए थे, यहाँ पर चारों तरफ से फ्लावर वगैरह लगा हुआ है और ऐसे बड़ा बड़ा ट्रीज है। पियानो माखाटा बेश भालोई छिलाम। पुतुल घर पुतुल देखाच्छे और ये है पुतुल घर और इसके अंदर बहुत सारा पुतुल। एक तो पड़े और ये एक घर है ओमा एक तो छोड़ जाओ इटर फोटो रखी। और यहाँ पर एक पालकी है, यहाँ पे भी कुछ कर। और यहाँ पर देखिए एक म्यूजियम है, ये बजना वगैरह है सारा चीज रखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर का। फिर उनका शॉल वगैरह जो यूज करते थे वो सब रखा हुआ है। चीजें यहाँ पर भी है, ढोलक वगैरह और यहाँ पे और भी बहुत सारे मुझे खुले खुले हो जाए। सबसे अच्छा चीज जो है वॉल पर है, वॉल को देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है और कितना सारा चीज बना हुआ है, हाथ से सारा डिजाइन किया गया है। ये जो टोपी है देखिए पत्ता से बना हुआ है, चारों तरफ से पत्ता डाला हुआ है, उसके बाद कितना बड़ा टोपी है। छुएगा मत, पत्ता चूर चूर हो जाएगा। मना है टच करना। और यहाँ पर गले का हार वगैरह सारा चीज रखा हुआ। और ये देखिए ये जो है बाहर का है, बाहर में भी कितना सुंदर डिजाइन किया। और यहाँ पर लोटस, एक लोटस तो लोटस है, ये सालूक। ये मतलब किचु भी भालो नहीं। और यहाँ पर है राधा कृष्ण खीदे वे आज जगन्नाथ बलराम। और यहाँ पर भी कुछ चीजें रखा हुआ, ढोलक वगैरह। और यहाँ पर तो कृष्ण ठाकुर। और यहाँ पे भी कुछ है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी हाथ से बना हुआ बहुत सारा चीज है, बाबू अम्मा बहुत अच्छे से हाथ से डिजाइन किया हुआ है। जो और इसमें हम लोग एंट्री कर चुके हैं। कोथा है वही जिनिस तो सुंदर तुमसे तो जाऊंगा। चल रखी पूजा का मार्शल आने की है।
कि बहुत अच्छा है लेकिन इतने सारे चीजों में ना वो ड्राइंग कुछ पेंट वो जो है पेंट कर रहे हैं और ये तुलसी बेदी पर पूजा कर रहे हैं और सारा जो चीज है बैकग्राउंड बहुत अच्छे से बना हुआ है और ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से बना हुआ है हट हट टाइप का एक घंटा बस तो फोटो कर दो और यहाँ पर देखिए लोड़ी पीड़ी फिर फिशिंग का सारा सामान जो है यहाँ पर रखा हुआ है वहां पे भी और यहाँ पे बहुत सारा फिशिंग का सामान है जिसके बारे में हमको मुझे भी पता नहीं क्या क्या बोलते किसे लेकिन ये सारा चीज जो हाँ ये सारा चीज जो है मेरे हस्बैंड को पता है सारा चीज फिशिंग का है और हाँ ये एक चूल्हा है यहाँ पर और यहाँ पर भी बहुत कुछ है रखा हुआ छोटा मोटा पेंटिंग बना हुआ है इसमें देखिए सारा पैर वगैरह फेस कुछ डिफरेंट है ड्राइंग एक है लायन मतलब टाइगर का एक है दुर्गा जी का एक है हॉर्स का एक है एलिफेंट का और जो टेल है वो है स्नेक का और जो हेड है वो है पीकॉक ना पीकॉक नहीं है वो कॉक है कॉक हाँ, कॉक और जो बॉडी है वो काउ का मतलब ऑक्स का और भी बहुत सारा छोटा मोटा हाउस और यहाँ पर देखिए बहुत सारा फेस मास्क है हाँ देखा ची और यहाँ पे डांस कर रहे हैं और डांसिंग का कपड़ा यहाँ पे भी वही है मुखौटा और यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारा यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी कोई फिशिंग कर रहा है और यहाँ पर एक वुडन क्या कहते हैं वुडन मैन है हो सकता है मैन है और ये गार्डन है और बीच बीच में छोटा छोटा हट बना हुआ है और उसके अंदर कुछ आर्ट किया हुआ है मतलब आर्ट करके डॉल वगैरह बना हुआ है और ये एक देखिए झूला बेत का बेतर ना खेजुरेर पता ओ कुछ जो भी हो उसका बना हुआ है और यहाँ पे गले का हार वगैरह सारा चीज मिल रहा है यहाँ पे कुछ कपड़ा कुर्ती वगैरह मिल रहा है ওইগুলো কি ওইগুলো यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है बहुत अच्छा अच्छा चीज है लेकिन दिखने के बोलो ना को बोलते लगे
पे थोड़ा सा गार्डनिंग किया हुआ। हम लोग फिर से रुके हैं यहाँ पे लंच करने के लिए। लंच करना है, देखते क्या मिलता है। ये कुछ अच्छा लगा हमें, रोड साइड पे है छोटा मोटा सा एक रेस्टोरेंट, अच्छा लगा इसीलिए रुके हैं। दिखने में अच्छा है, खाना कैसा है पता नहीं, चलिए देखते।